हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। अभी मैं घर पे हूँ और यहाँ से एक्सरसाइज करने के लिए मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। और आज मैं क्या वर्कआउट कर रहा हूँ पूरी प्रॉपर आपको एक एक वर्कआउट दिखाऊंगा। और फिलहाल अपना प्री वर्कआउट ले लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से मैं डायरेक्ट जिम में। मेरी नहीं है, बगल में मस्त गाना बज रहा है, गाने का आनंद लो और जिम करो। I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why. तो अपना वार्म अप कम्प्लीट हो चुका है और अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इंक्लाइन बेंच प्रेस। और इसमें मैं एक वार्म अप सेट लूंगा सबसे पहले, जो कि लाइट वेट से होगा, और इसके बाद प्रॉपर सेट होंगे। दो सेट अपने कंप्लीट हो गए हैं बेंच प्रेस के। और इस बार तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक्सरसाइज के 3 सेट ही कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से या फिर एक दो बार गैप करके। अभी क्या है ना कि मैं हैवी जो जा रहा हूँ वो पहली बार है। पहली बार का मीन्स जो मेरा गैप हो गया था 4-5-6 महीने का, उसके बाद से पहली बार है। तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा उनके 3-3 सेट ही करूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से एक दो बार गैप करके फिर मैं करूँगा कम एक्सरसाइज, 2 या बहुत खींच के 3 एक्सरसाइज करूँगा, और उनके मैं 5 से 6 या फिर 5 सेट एटलीस्ट करूँगा ही करूँगा। 2 अपने वार्म अप सेट हो जाएंगे और 3 वर्किंग सेट हो जाएंगे। तो बेंच प्रेस का लास्ट सेट बचा है ये कंप्लीट करके, इंक्लाइन बेंच प्रेस का लास्ट सेट बचा है, इसको हम लोग कंप्लीट करके फ्लैट बेंच प्रेस पे आएंगे और इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। इस सेट में अपना वेट उतना ही जितना सेकंड सेट में रहा, वेट मैंने इंक्रीज नहीं किया है और नेक्स्ट टाइम से हम लोग अपना वेट इसमें इंक्रीज करेंगे।
तो फाइनली चेस्ट वर्कआउट अपनी कंप्लीट हो गई है और चार एक्सरसाइज की मैंने आज साथ में मेरा ट्राइसेप का भी शेड्यूल था, लेकिन अगर मैं ट्राइसेप एक्सरसाइज इसी वीडियो में आपको मैं डालूंगा दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा ट्राइसेप के लिए जो अपना नेक्स्ट शेड्यूल आएगा चेस्ट और ट्राइसेप का, उसमें मैं ट्राइसेप एक्सरसाइज कवर कर दूंगा। तो आप लोग ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी देख लेंगे और जो लोग मेरे साथ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उन लोगों को ये वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे बेटर कोई वर्कआउट प्लान है तो आप उसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे आप इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। डाइट को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे अपना चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और करते हैं ट्राइसेप वर्कआउट अगले नेक्स्ट वर्कआउट में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक जरूर करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।